आपको क्या लगता है कि हमें D3 के बारे में कुछ याद नहीं? 3 साल गुजर गए लेकिन हर चीज याद है। यस, मुझे भी। मुझे भी। मेरा नाम लिखना पड़ेगा, एक टैटू करवाना पड़ेगा। सबने लिखा था क्रेया। Okay. और मेरे लिए गाना गाना पड़ेगा दो, और एक टास्क था जिसमें इसे बहुत याद है यार। सबके सामने बोलना पड़ेगा दैट आई लव यू। नो, उसमें था जब तुम्हें बताना पड़ेगा दैट व्हाट यू फील फॉर मी। आई विल गिव यू अ हिंट, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस? नो, बट इट वाज अ किस, यू कन्वर्टेड इनटू बटरफ्लाई किस। यस, आई थॉट दैट वाज द गिफ्ट, क्योंकि तुम शर्त हारती हो तो मुझे किस मिलता है। नो, मुझसे तुमने अभी 2 राउंड्स पार कर लिया। आई मीन नाउ योर थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू गिव मी अ किस। ओके, देन आई गिव यू अ बटरफ्लाई किस। यस, मुझे याद था, मुझे लगा वो मेरा गिफ्ट था क्योंकि तुम हार गई। ओके, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट एंड द बेस्ट वाज क्या करे क्या ना करे। We had to paint the yeah, but what we did, it was I think because tumne wo kar diya tha na, tumne wo likha tha ki college mein ladke ladkiyan saath mein nahi ghumenge and something something, and that is written by me, aisa karke tumne wo notice lagaya tha. For that then principal got to know and then hum dono ko paint karna tha. Karna pada tha. Yes, okay. Correct. एक तो जब मैंने इसने मुझे फ्लावर दिया था, मैंने थप्पड़ मारा था। नो, हाँ, डिसगस्टिंग नहीं बोला था। आई थिंक मैं तो रोज ही बोलती हूँ, बहुत मुश्किल है। ये एक्चुअली इसके लिए रोज का है ना, कुवर या डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग मतलब रोज निकलता है इसकी हरकतों से। तो अभी चलो बताओ, चलो 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 बताओ, हेल्प मी ना। एक बार जब अभी तो रिसेंटली एक हुआ है। हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है वो। बताओ बताओ। Like there's so many scenes that I can say disgusting to you, but बता दो। देख, एक recently हुआ है जब मैं तुझे कुछ ऐसा बोलता हूँ बहुत ही, you're like oh really, you're disgusting, ऐसे बोलते ना। oh याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, बता देना। अब मैं क्या बताऊँ, इसको खुद भी नहीं याद। खुद ही याद नहीं। Very good, देखा। एक बार जब कोई फ्रेंड आपको कोई अदर सीडी देता है, गेस। ओह यस। एंड वंस व्हेन यू ट्राई टू किस हर इन पब्लिक। हैं? डिसगस्टिंग बोला तूने मुझे? ओह यस। शी। ओके। फर्स्ट कन्फेशन के बाद नहीं, पहला हुआ था ना बाबू। वन सेकंड, फर्स्ट कन्फेशन वो जब हमने इन लम्हों के इन लम्हों के दामन में, और अभी वाला था ताजमहल। ताजमहल कौन सा गाना है वो? सुनो ना संगे मरमर। बिकॉज ये वाला नहीं, पहले वाला रोज डे। बिकॉज मुझे पता चला था थ्रू शायरन स्पीच कि ही इज मतलब ये डैजलर्स की साइड से मुझे यूज कर रहा है, दैट इज व्हाई। एंड बाय द वे वो असली का थप्पड़ था, वो मतलब इतनी जोर का थप्पड़ okay, था कि मेरे कान बंद हो गए। मूविंग ऑन, नेहा। जो मका जी, मामा जू, आ वाली यू ड्रेस। यस, या द ब्लैक ड्रेस। आई ब्लैक ड्रेस। मजा खिड़की। एक्चुअली अभी कुछ दिनों से ना, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ पे हमने पहला प्रोमो शूट किया था शिव स्टेलिंग में। तुम्हें याद है, तू यहाँ से उतर के आया था, फिर मेरे को धक्का लगा था, फिर तूने हाथ दिया था, और फिर शायरन धक्का ऐसे, फिर शायरन मुझे खींच के ले जाती है, वो याद दिला रही थी। फिर हम लोग जब बाहर वॉक कर रहे थे, तभी पहला जो हमारा सीन था, जब मैं पहली बार एक क्लब में एंटर करता हूँ और वहाँ पे मैं मेरी कार जीप लेके आया था और वो धक्का मार के निकलते हैं, वो सीन्स याद करे तो इट्स लाइक सब पूरा सब
फ्लैशबैक हो गया सो मेनी मोमेंट्स एंड सीन्स एंड यू नो आफ्टर द सीन्स व्हेन वी सिट एंड टॉक एंड थिंग्स दैट वी डू इन बिटवीन मतलब इतनी सारी बातें याद आ गई ना लाइक व्हेन वी सिट टुगेदर इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी आई मीन इतने सारे मोमेंट्स हैं ना और आई एम टेलिंग यू गाइस वन थिंग मैं घर जा करके क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता था पर मैं यूट्यूब पे जितने VM आप लोगों ने बनाए मैं सारे देखने वाला हूँ बिकॉज वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं ट्रस्ट मी मैंने आपको कभी कहा नहीं पर इतने ब्यूटीफुल होते हैं इतने ब्यूटीफुल एडिट्स होते हैं आई थिंक अभी तो नहीं रो पा रहे पर शायद घर जाके ज़रूर रोएंगे ट्रस्ट मी हमें एपिसोड देखने से ज़्यादा अच्छा आपके VMs लगते हैं इट्स रियली डन वेल एंड सो थैंक यू गाइस